What time is it, y'all? What time is it? It's peanut butter jelly time. Yes, it is. It's reaction video time. It's reaction video time. Where you at? There you go. There you go. There you go. There you go. Peanut butter jelly. Peanut butter jelly. All right, I have a special reaction today. We are reacting to a biography, The People in History, and it's to Akshay Kumar. Did I say that right? I think I did. I think I got it right. I am like an expert around here. So this has been requested few people over and over again, and I've been having it on my list. And I'm just now getting to it. So y'all ready to get this started? Have you subscribed? Don't forget to do that. We just hit 5,000. We gotta get to 1,000,000. Subscribe around there. It's around there somewhere in the button. And the notification bells. And the notification little bell that tell you. And follow me on my Instagram, Geekly Amanda, GeeKoy Amanda, same on Twitter. Let's do this. Go! Ooh, he's like a... Naam, Rajiv Hariom Bhatia. Okay, that's his name. It's not Akshay Kumar. Look at him, he does all the karate. Rajiv Kumar ke naam se jante hain. He does all the... Oh, he's an action star. और ये है फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षय कुमार सुपरस्टार कौन है आप भाई वैसे तो लोग हमें संगीत का जादूगर कहते हैं म्यूजिक म्यूजिशियन नाम है राजा इन्होंने अपने लिए खुद ही कहा है ना हम अमिताभ ना हम दिलीप कुमार ना ही किसी हीरो के बच्चे हम हैं सीधे साधे अक्षय फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आया ये लड़का Superstar bana. Oh, he's. Janm 9 September 1967. Akshay Kumar ka janm Amritsar mein hua tha aur parvarish hui purani Delhi, yani ki Delhi 6 mein. वैसे भी हम लोग की लिस्ट में हम गरीबों का नाम कहाँ होता है? इनके पिता हरिओम भाटिया और माँ अरुणा भाटिया पिता हरिओम भाटिया एक मिलिट्री ऑफिसर रहे अक्षय कुमार बचपन से ही स्टेज पर एक परफॉर्मर की तरह जाने जाते थे खासतौर पे डांस में दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहते थे और उसके बाद ये मुंबई आ गए जहाँ पे ये कोलीवाड़ा इलाके में रहने लगे okay. कामयाबी की उन बुलंदियों को छू सकूं to... जिसका सपना पापा और आपकी आंखों ने देखा मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और मुंबई के ही गुरु नानक खालसा कॉलेज से हायर एजुकेशन तुम्हें लगता है कॉलेज की लड़कियों के पीछे मैं पढ़ाऊं अरे वो मेरे आगे आगे घूमती है वो और बात है कि एक साल के बाद ही ये पढ़ाई छोड़ After a year he left and went to Bangkok martial arts right. to learn martial arts. Oh, that's why he's doing that all in his films. He's doing that. Look at him. अक्षय कुमार की एक बहन भी है जिनका नाम है अलका भाटिया आपके दिल की एल्बम में हजारों लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं मगर उनमें से क्या कोई एक भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते जो मेरी भाभी बन सके कोई ढंग की लड़की मिलती नहीं इसलिए तो सबको रिजेक्ट कर देता हूं राइट तो 14-15 साल के थे तब उनके वालिद ने इनसे एक बार सवाल पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और तब अक्षय कुमार ने कहा था ओह ही ऑलवेज वांटेड इवन फ्रॉम अ किड ही वांटेड टू बी अ एक्टर He knew even then that he wanted to be an actor. Oh, taekwondo may black belt. Oh, he burned black belt. Taekwondo. Look at him. Look at him go. He's a... Bangkok mein martial arts ki padhai ki. Jahan pe ye batao chef aur waiter kaam kiya karte the. Abhi kahte hai ye band kar. Aur zimmedariyan sambhal. Kal se tu hotel jayega. बस मुंबई वापस आ जाने के बाद अक्षय कुमार ने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और अभी भी एक्टिंग की मंजिल काफी दूर थी कोई राह नजर नहीं आ रही थी और तब सूरज चमका अगर आपको अपने डांस पर इतना ही नाज है अक्षय कुमार जब मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लिया करते थे तब इनके एक स्टूडेंट ने जो कि खुद एक फोटोग्राफर बनना चाहता था okay. इनका नाम मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भेजा अरे दो दिनों में अक्षय कुमार को लगा जो पैसा मैंने कमाया है वो तो मैं पूरे महीने में नहीं कमा पाता इसलिए मॉडलिंग का ही रास्ता चुन लिया जाए
बहुत सारी फिल्मों में ये बतौर बैकग्राउंड डांसर भी काम कर रहे थे और एक दिन इन्होंने फ्लाइट मिस कर दी और किस्मत के हवाई जहाज पर ये सवार हो गए। किस्सा यूँ मशहूर रहा कि अक्षय कुमार को बैंगलोर जाना था एक एक्ट की शूटिंग के लिए, पर ये फ्लाइट मिस कर बैठे। ये बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। अच्छा हुआ कि इन्होंने फ्लाइट मिस की, क्योंकि उसी शाम जबरदस्त प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती ने इन्हें फिल्म दीदार के लिए साइन किया। So हालांकि ये पहली बार नजर आए थे फिल्म सौगंध में, जिसमें जबरदस्त अभिनेत्री राखी और शांति प्रिया इनके साथ थी। साल था 1991। 1987 की फिल्म आज, जिसे महेश भट्ट साहब ने बनाया था और जिसमें कुमार गौरव स्टार थे, उसमें अक्षय कुमार मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर की तरह नजर आए। And even in the film we play martial. Wow, he's got that martial art background. Look at him fight. That's what. शुरुआती दौर में लोगों ने कहा कि लड़के के पास लुक्स तो है, लेकिन शायद एक्टिंग में कमी है। और तब अब्बास मुस्तान की फिल्म खिलाड़ी आई, बता दिया कि आ गया है वो हीरो जो एक्शन भी करता है, डांस भी, रोमांस भी। अब चले। कुमार खिलाड़ी सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे थे, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, और फिर आई फिल्म मोहरा। Look at him. अक्षय कुमार की इमेज एक एक्शन हीरो की इमेज बन गई थी। उसके बाद यश चोपड़ा साहब की फिल्म दिल तो पागल है में इन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया, हालांकि सपोर्टिंग रोल था, पर बहुत तारीफ की गई। यश चोपड़ा साहब की फिल्म ये दिल लगी में भी इन्होंने एक रोमांटिक किरदार निभाया था। तब ये जरूर लगा था कि ये हरफन मौला है। दर्शन साहब की फिल्म हेरा फेरी, जिसमें परेश रावल और सुनील शेट्टी साहब के साथ मिलके इन्होंने धमाल मचा दिया। और फिर धर्मेश दर्शन की धड़कन ने इन्हें एक इमोशनल एक्टर की तरह भी एस्टैब्लिश किया। कहा गया वो सिंघानिया का दिलेर बेटा जो एक ही वार में अपने दुश्मनों को खत्म कर देता था। एक बड़ा मजेदार किस्सा रहा। एक बहुत बड़ी फिल्म फ्लॉप हो गई और अक्षय कुमार शादी के बंधन में बंध गए। आमिर खान, फैजल खान और ट्विंकल खन्ना स्टारर मेला। अक्षय और ट्विंकल ने ये बात तय कर ली थी कि अगर मेला फ्लॉप हुई तो शादी कर लेंगे। फिल्म चल गई तो शादी कुछ वक्त के लिए रुक सकती है। और आमिर खान के होने के बावजूद फिल्म मेला बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी सुपर हिट। इस तरह से अक्षय कुमार बने हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार राकेश खन्ना के दामाद। और सासू माँ बॉबी यानी कि डिंपल कपाड़िया की शादी से अक्षय और ट्विंकल को दो बच्चे हुए, बेटा आरव और बेटी नित्रा। Yes, it is a very good, great thing which has happened and I'm thankful and obliged. धीरे धीरे वो मोड़ भी इनके जीवन में आया जहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी। I've done so many things in my life, from stunts to films to everything in my life. अक्षय कुमार ने नई हीरोइंस के साथ भी काम किया और पहले से ही अपना मकाम बना चुकी हीरोइंस जैसे कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ भी, लेजेंडरी रेखा के साथ भी ये नजर आए थे फिल्मों में, पर हर बड़ी हीरोइन के साथ काम करना चाहने लगी। जितने भी मेरे को स्टार्स हैं, जितने भी मेरी एक्ट्रेसेस हैं, कैरेक्टर एक्टर्स हैं, जितने भी, उन सबको जानता हूँ। अक्षय कुमार उन गिने चुने एक्ट्रेस में से हैं जिन्होंने हर कदम पे बहुत ज्यादा मेहनत की, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आए और सुपरस्टार्स की फेहरिस्त में अपना नाम शामिल कर दिखाया। So he came from the outside. He wasn't born into like टेलीविजन की होस्टिंग रही हो या फिर रियलिटी टीवी शोज रहे हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, आई लव रियलिटी टीवी शोज। अक्षय कुमार ने एक्शन पे एक्शन खूब कर दिखाया है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। कोई असल किंग वो होता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लड़े। That was interesting. I didn't know much about him. That was interesting. And he even, so it's neat because he came, he wasn't even, he always wanted to be an actor, but he wasn't born into that life. He wasn't born into acting life. He did like martial arts and then was a waiter and all that kind of stuff. Then taught martial arts, and it was only because of a student.
It was only because of his student that wanted to take his picture because he was a photographer and he started earning all that money as a model. And he said, I can earn as much 2 days as a model as I can a month teaching this martial arts. So he started doing that. And then he missed his flight. That was like the best thing. He was sad he missed that one flight, but that turned his career around. It's amazing how some of these people become famous, right? I mean, sometimes you're born in it, sometimes you know the people and all that kind of stuff, but then sometimes by luck, just by luck and hard work. I mean, you ain't gonna be famous and all that without hard work. That's where I'm trying to get famous. Beyonce at Bollywood. But I gotta be making these videos all day long. Hard work. Hard work pays off. And being cute. Like I had to look at myself. And being cute. Because he's good looking. He is good looking. You ain't gonna get some martial art like doing the... And you're not good looking. And he had... I want to go look at it again just because he's good looking. Well, thank you for this suggestion. I enjoyed it. Till next time, y'all. Y'all know what to do. Comment, thumbs, subscribe, all that. Bye, y'all.